मेरा नाम है शेफ हरपाल और यहाँ पे चल रहा धमाल रेसिपीज का। ओहो, वो तो हमेशा चलता आया, लेकिन आज कुछ कोंकण बेल्ट से ना ये बढ़िया सी रेसिपी एक आंटी ने मेरे साथ शेयर की है, वो मैं सोच रहा हूँ आपको बना के दिखा दूँ। क्या है वो जी? बांगड़ा आमशे तीखशे। नाम तो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो एक काम करें, आप ये समझे तीखा खट्टा बांगड़ा, यानी कि ये मैकरेल जो है तीखी खट्टी मैकरेल कोंकण स्टाइल में बना रहा हूं मैं। सबसे पहले त्रिफल, ये देखिए इसके अंदर, ये देख रहे हैं ये जो त्रिफल मुंह खोल के बैठा हुआ है ना, इसके अंदर एक बीज होता है, वो बीज निकालना बहुत जरूरी है। बीज निकाल के आपको यूज करना है। तो ये त्रिफल देख रहे हैं, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले जी थोड़ा सा पानी में ग्राइंड करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ी सी क्वांटिटी मैं और ले लेता हूँ, क्योंकि ये शायद इतनी ग्राइंड ना हो। और ये त्रिफल ले लिया आपने थोड़ा सा, और पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी, बहुत स्पाइसी होता है मैं आपको बता दूँ, इसका जो इफेक्ट है ना शरीर पे, शुरू में तो ऐसा लगेगा कि ये स्पाइसी नहीं, आप खाएंगे तो धीरे 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 जैसे गले से नीचे उतरता है स्पाइसीनेस बढ़ती है, वैसे ही ग्रेवी में भी, जब ग्रेवी में डालते हैं तब लगता है कि यार कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ग्रेवी पकती है थोड़ी सी ठंडी होती है स्पाइसीनेस बढ़ जाती है। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये स्पेशल है, तो ये लीजिए, ये मैंने पीस लिया त्रिफल थोड़ा सा पानी में डाल के, ये लीजिए, आहा, अब ये लीजिए। पहले कुछ काम करेंगे, सौते करेंगे, ठीक है जी। ये लीजिए, ये नारियल का तेल, ये एक बड़ा चम्मच नारियल का तेल डाल लिया। अब इसमें 6-8 लहसुन की कलियां, ये लीजिए, और इनको ये लीजिए, आहा मजा आ गया। अब ये लहसुन की कलियां ये तेल के अंदर, ये लीजिए, हल्का सा ब्राउन जैसे होता है लहसुन, तो एक काम करेंगे 8-10 ये मिर्चें ले लेते हैं। ये भी उन्होंने कहा था बेटा बेडगी मिर्ची यूज करना, मैंने कहा ठीक है जी, ये लीजिए। तो ये 8-10 मिर्चें बढ़िया वाली, ये लीजिए, ये डाल ली, क्या बात है, ये लीजिए मिर्चें, और इसमें 1 कप नारियल, फ्रेश नारियल, ये लीजिए, ये मैंने डाला और गैस बंद। अब ये जो मिक्सर है ये मुझे पीसना है बढ़िया। अब इसे यूं ही नहीं पीसना है, इसमें 1.5 बड़ा चम्मच इमली का पेस्ट डालें और पीसना शुरू। आहा, अब ये पेस्ट बिल्कुल तैयार, इसे मैं यहीं रखता हूं, ये लीजिए, ये यहां, और इसमें जो बचा हुआ नारियल तेल है 2 चम्मच, ये लीजिए, ये डाल लिया, आहा क्या बात, और 6-8 लहसुन की कलियां फिर से, ये लीजिए, ये ले ली, और इसे मैं यहां रख लेता हूं भी, ये 6-8 लहसुन की कलियां फिर से क्रश कर लें, ये लीजिए क्या बात है, ये जो पेस्ट पिसा है इसे मैं ले लेता हूं, ये लीजिए, अब आहा ये देख। अब ये क्योंकि ग्रेवी वाली डिश है तो बहुत जरूरी है कि पानी इसमें बिल्कुल बाकायदा सही मात्रा में हो, ये पानी डाल लिया, आहा क्या बात है। अब पानी डल गया है, इंपॉर्टेंट सी चीज, ये त्रिफल का पानी, आहा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, त्रिफल का पानी, ये देखिए, तो ये त्रिफल का पानी डाल लिया, आहा, अब इसमें डालेंगे एनर्जी,
क्योंकि एनर्जी के बगैर काम नहीं चलता। तो एनर्जी के लिए चलिए शुरू हो जाइए मेरे संग। ओ जी नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक। ये लीजिए एनर्जी डल गई ग्रेवी में। और ये है बांगड़ा मच्छी, कोंकण बेल्ट में बड़ी फेमस है। ये लीजिए, अब ये इसमें डाल ली बांगड़ा मच्छी और ओहो हल्के हाथ से मिला लिया। अब क्या करना है जी, कुछ नहीं करना है, इसे मैं ढक के पकाता हूँ। और तब तक एक काम कर लेते हैं, ये जिन्होंने हमें लिखा था कि हमें भी कभी फ़ोन कर लिया करें। अब यहाँ पे ये फिश तैयार है बिल्कुल, ये देखिए, हाँ 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 ये देखिए क्या बात है जी, बढ़िया फिश करी। तो चलिए ये फिश बिल्कुल रेडी है, इसको कर लेते हैं बंद और सर्व करने के लिए। आहा क्या बात है, ये लीजिए ये, ओहो ये अगर ऐसे मिले करी तो मजा आ जाएगा। अब ये तो तैयार हो गई है बांगड़ा आम से तीख से, आहा बना के परिवार वालों को खिलाएं। देखिए चाहे वो कोंकण में बनती हो फिश करी या आप नॉर्थ में बनाएं, मजा दोनों जगह में उतना ही आएगा। फूड फूड इट्स सिज़लिंग।